बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमन उर्दू लैब के अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक से कभी कभार अजीब सवालात पूछ लिए जाते हैं। एक लड़के ने डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल किया कि जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला का पैगाम लाने के लिए वही के अमल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगाम लाए थे, क्या ऐसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको कहा कि आप डॉक्टरी यानी कि मरीजों के इलाज करने वाले पेशे को छोड़कर रूह का इलाज करने वाले डॉक्टर बन जाएं। साथ ही इस लड़के ने ये भी सवाल किया था कि क्या आपको 100% यकीन है कि आप जन्नत में जरूर जाएंगे, यानी कि इस हद तक यकीन होना जैसे कहीं से मालूमात या नतायज सामने आने से पहले ही किसी को मालूम हो जाती है कि किसी हद तक यकीन होना। ये दोनों सवाल बहुत दिलचस्प और अजीब हैं और इन पर हैरत भी होती है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक का जवाब देकर हमको बहुत से सवालात का जवाब मिल जाता है। ये सवाल डॉक्टर जाकिर नायक को भी इतना ही उकसाने वाला था कि सवाल सुनते ही डॉक्टर जाकिर नायक भी बेताब नजर आए कि वो इस बात से वाजे और सख्त जवाब दे डाले। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाले ने क्या कहा। चूँकि ये गुफ्तगु अंग्रेजी जबान में है, हम आपके लिए उर्दू तर्जमे के साथ लाए हैं। Okay. Please, you can pose your question. Yeah, my name is Ayad Olane Teofilos. My question has to do with, we understood according to the Quran that Prophet Muhammad had a encounter with Angel Gabriel before he started his ministry. Likewise, all the prophets too in the Bible. ये लड़का, इसका ताल्लुक युगांडा से था। इसने अपना मजहबी नाम बताया था जिससे तासुर लिया जा सकता है कि वो मुसलमान है। उसने कहा था कि वो कुरान मजीद में लिखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मदद से राब्ता हुआ करता था, एक कॉन्ट्रैक्ट था अल्लाह के साथ। इसी तरह से बाइबल में भी कुछ ऐसे ही हवालात मिलते हैं, यानी अल्लाह से किसी किस्म के राब्ते के लिए कोई जरिया होना चाहिए जो कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, और अल्लाह की जानिब से कुछ भी हो सकता है। इन मालूमात को देखते हुए मैं आपसे एक वाजे और सीधा सा जवाब जानना चाहता हूं कि आपकी प्रोफाइल में लिखा है कि आप मेडिकल डॉक्टर हैं, मरीजों का इलाज करने वाले हैं, लेकिन वहां से आप रूह का इलाज करके डॉक्टर बन गए हैं, मुबल्लिग बन गए हैं, लोगों को रूहानी तालीमात देते हैं, तो आपने मेडिकल की डॉक्टरी छोड़कर इसी पेशे में आने का फैसला किया, क्या आपको कहीं से अल्लाह का पैगाम आया था, यानी कोई राब्ता है आपके साथ, ऐसा कोई पैगाम रसानी होती है आप और अल्लाह के दरमियान? इस लड़के के अल्फाज आप भी सुनिए ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ आ जाए। I want to ask categorically, because you, in your profile, in your CV, you were a medical doctor, which is a glorious work for humanity. Now, choosing to be a doctor of soul, did you had an encounter, or you have a call, or you have a encounter with Angel Gabriel? That's one. And two, do you know if you die, you are going to Al-Jannah confirmably, and what are your इस लड़के ने जहां डॉक्टर जाकिर नायक से ये कहा था कि क्या आपका जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई राब्ता हुआ है, उसके बाद फैसला किया कि आप मेडिकल नहीं बल्कि रूह के डॉक्टर और मुबल्लिग बन जाएंगे। सवाल के दूसरे हिस्से में दूसरा सवाल अभी इस लड़के ने आधा ही बोला था कि डॉक्टर साहब अपनी निश्चित छोड़कर माइक्रोफोन की जानिब बढ़े, और उसने दूसरा सवाल भी किया, और उसने दूसरे सवाल में भी कहा था क्या आपको 100% यकीन है कि आप जन्नत में ही जाएंगे। इस लड़के का सवाल मुकम्मल होने से पहले डॉक्टर जाकिर नायक माइक्रोफोन के सामने आन खड़े हुए। इसके आखिरी जुमले को मुकम्मल होने से पहले ही डॉक्टर जाकिर नायक माइक्रोफोन पर बोलना शुरू कर दिया और कहा कि हमारे इस भाई ने एक सवाल किया है जिसको डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने अल्फाज में बयान किया। जरा ये मनाजिर देखिए, डॉक्टर जाकिर नायक के जवाब का उर्दू तर्जमा आपके सामने पेश करते हैं। डू यू नो इफ यू डाई यू आर गोइंग टू अल-जन्ना कंफर्मेबली एंड व्हाट आर योर इंडिकेशंस दैट यू आर गोइंग टू द जन्ना? दैट्स द क्वेश्चन दैट डिड लाइक हाउ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड कांटेक्ट विद आर्कएंजल गैब्रियल बिफोर ही बिकेम अ मैसेंजर, डिड आई हैव कांटेक्ट विद आर्कएंजल गैब्रियल? डॉक्टर जाकिर नायक माइक्रोफोन के सामने आए और ऐसा लगता है कि आपको जवाब देने की बहुत जल्दी है। डॉक्टर जाकिर नायक ने फौरन से कहा कि हमारे इस भाई ने सवाल किया है कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए कोई वही आती है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, तो क्या डॉक्टर जाकिर नायक के साथ कभी ऐसा ही होता है? डॉक्टर जाकिर नायक ने अभी इतना ही बोला था कि इस लड़के ने बात काटते हुए इस लड़के ने लुकमा दिया कि लाजमी नहीं कि वही नाजिल होती हो,
ये भी हो सकता है कोई अलामत हो, कोई बशारत हो, कोई पैगाम हो, कोई ख्वाब हो, किसी और सूरत में भी हो सकता है। डॉक्टर जाकिर नायक ने इस लड़के से ज्यादा बहस किए बगैर कहा कि ठीक है, अलामत भी शामिल कर लेते हैं। अगर किसी को अलामत भी ऐसी मिलती हैं और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक अपनी जात के लिहाज से जवाब देने के बजाय दुनिया से हर इंसान से मुतल्लिक जवाब दिया, ये मनाजिर और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। Muhammad sallallahu alaihi wasallam had contact with Archangel Gabriel before he became a messenger. Did I have contact with Archangel Gabriel? If calling. Well, like maybe you had calling, maybe calling. A sign. If anyone says that. डॉक्टर जाकिर नायक ने इस मामले पर हतमी तौर पर जवाब देना शुरू किया और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, अगर आज के दौर में दुनिया का कोई भी इंसान कहता है कि उस पर वही नाजिल हो रही है, उसे अल्लाह का कोई पैगाम आ रहा है, उसे बशारत हो रही है, उसे कहीं भी अलामत देखी है, उसे अल्लाह ने पैगाम दिया है जो दुनिया तक पहुँचाना है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई इंसान ऐसा करता है कि उस पर वही नाजिल होती है, तो उसे उठाकर सीधा माहिर नफ्सियात के पास इलाज के लिए ले जाया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो आखिरी पैगंबर और आखिरी नबी हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने कुरानी हवाला देने से पहले ये बात बहुत ही वाज़े अंदाज में कह दी थी, मुझे तो क्या दुनिया के किसी भी इंसान को वही नाजिल हो वो झूठ बोल रहा है, ये वो पागल हो चुका है, जिसमें पूरा हाल भी नारे तकबीर से गूंज उठा। ये मनाजिर देखिए। Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last and final messenger. Allah says in the Quran in Surah Azab chapter 33 verse number 40, ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima, that Muhammad is not the father of any of you men. डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत अल-अज़हा चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 40 में इरशाद फरमाया है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के वालिद नहीं मगर अल्लाह ताला के भेजे गए पैगंबर हैं और नबूवत के खात्मे पर एक मुहर है, बेशक अल्लाह ताला सब जानने वाला है। डॉक्टर जाकिर नायक ने एक बार फिर से गुस्से वाले अंदाज में सवाल को दोहराते हुए कहा कि आज के दौर में अगर कोई शख्स ये कहता हुआ नजर आए कि उसको अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई है, कोई पैगाम आया है, तो उसको सीधा माहिर नफ्सियात के डॉक्टर के पास ले जाया जाए, उसका इलाज करवाया जाए। हाँ, ये बात जरूर याद रखें कि अल्लाह ताला हमें मदद जरूर फरमाता है, वो दुनिया के किसी भी इंसान को हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, अगर कोई इंसान नेक काम करने जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नायक ने फिर से कहा कि मुझे अल्लाह की मदद हासिल होती है, फिर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि मुझे अल्लाह की मदद हासिल हो रही है, क्योंकि जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुआ करती थी, जैसे उन पर वही नाजिल होती थी, मैं भी इतना कहना शुरू कर दूं तो मुझे भी उठाकर माहिर नफ्सियात के पास ले जाएं। बेशक अल्लाह ताला हमारी मदद करता है, अल्लाह हमको रहनुमाई फराहम करता है, अल्लाह हमको हदायत देता है, लेकिन वही के नज़ूल का कोई शख्स दावेदार नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के भेजे गए आखिरी नबी हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा, जहाँ तक आपका सवाल है मैं सीधा जन्नत में जाऊँगा या नहीं, इसका मुझे इतना यकीन नहीं कि अगर मैं आज भी मर जाऊँ तो सीधा जन्नत में जाऊँगा। डॉक्टर जाकिर नायक के ये अल्फाज आप भी जानिए और ये मनाजे देखिए। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा, अब सवाल के दूसरा हिस्सा देखते हैं, क्या मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज मैं मर जाऊँ तो जन्नत में जाऊँगा या नहीं। हाँ, मैं जरूर कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह मैं जन्नत में जाऊँगा। अगर मैं एक मुसलमान होने के नाते मरता हूँ और मैं नेक काम करता रहूँगा, अल्लाह मेरी नेकियों को कबूल कर लेता है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह मैं जन्नत में जाऊँगा। फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि यकीनन मोहर लग गई कि मैं जन्नत में जाऊँगा। मैं फिर भी इंशाल्लाह कह सकता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ तो अल्लाह ताला चाहे तो मैं जन्नत में जाऊँगा। डॉक्टर जाकिर नायक के अल्फाज आप भी सुनिए, उसके बाद हम आपके सामने अपना मुशाहदा दिखाएंगे। इस पूरे डॉक्टर जाकिर नायक के बयान में क्या चीज है जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, डॉक्टर जाकिर नायक के जवाब देने के अंदाज में कितनी बड़ी हिकमत छुपी है। And if Allah accepts it, inshallah, I'll go to Jannah. I cannot say for sure, I say inshallah. I pray to Allah that may He accept my efforts and inshallah, God willing, He will give me Jannah. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक खूबसूरती से अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि सवाल पूछने वाले ने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नायक को कुछ ऐसा महसूस होता है कि उनको अल्लाह से डायरेक्ट बराह रास्त कोई राबता होता है, नाउज़ बिल्ला, उसी तरह जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता था। यानी कि ये शख्स डॉक्टर जाकिर नायक को बड़ा आदमी समझ बैठा था
और ये समझ रहा था कि डॉक्टर जाकिर नायक के पास शायद कोई मुअज्जाती ताकत है। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नायक अल्लाह ताला से डायरेक्ट ब्राह रास्त राबता है, और इस शख्स ने इसी को बुनियाद बनाकर सवाल भी किया था। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नायक के पास बेहतरीन मौका था कि वो ये कह देते कि मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने सिर्फ अपनी जात की बात नहीं की बल्कि पूरी दुनिया के हर इंसान की बात की, जो कि एक खत्मे नबूवत जैसा हसास तरीन मामला है। इस मामले पर डॉक्टर जाकिर नायक समझते हैं कि उनकी जात तो बहुत पीछे रह जाती है कि इन्हें कोई वही नाउजुबिल्ला नाजिल होती है या नहीं, बल्कि डॉक्टर जाकिर नायक तो क्या दुनिया का कोई भी इंसान जो बज़ाहिर कितना भी आलम फाजिल हो, कोई भी कहे कि उस पर वही नाजिल होती है तो वो जहनी मरीज है, झूठ बोल रहा है, वो पागल हो चुका है। डॉक्टर जाकिर नायक खत्मे नबूवत के नजरिए और इस मामले की हसासियत और अहमियत को इस हद तक गहराई से समझते हैं कि उन्होंने इस मामले को सिर्फ अपनी जात तक नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान तक फैलाकर डिस्कस किया। डॉक्टर जाकिर नायक की इस शानदार हिकमत पर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें आसानियां पैदा करने, आसानियां फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।